जयराम ठाकुर महिला विरोधी है कि जब गारंटियां पूरी नहीं होती, जब गारंटियों को पूरा करने में समय लगता है, तब आप कहते हैं जनता के बीच में जाकर कि प्रदेश की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर रही है। और आज जब गारंटी पूरी हो रही है, पांचवी गारंटी प्रदेश सरकार ने पूरी की, तब आप महिलाओं के विरोध में जो है प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 5 गारंटियां पूरी कर दी है। पांचवी गारंटी में जो हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं हैं, उन बहनों के लिए 1500 रुपये स्वर्गीय इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत 1500 रुपये की राशि दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर यह कहती है कि वो महिला हितैषी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है जब वो 1500 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियाँ पूरी नहीं कर पा रही थी, तब आप ये कहते थे कि हिमाचल की सरकार ने झूठे वादे किए हैं हिमाचल की जनता के साथ और वो गारंटियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर लगभग 15 महीने का कार्यकाल हुआ है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उन्होंने 5 गारंटियां पूरी की है, यह अपने आप में इतिहास है। और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए यह बेचैनी है, उनके लिए बौखलाहट है। उसके चलते जो है वो आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो यह महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल की लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने का हुआ है, उनको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विरोधी है। उनका ये महिला विरोधी होने का जो प्रमाण है, उनका जो ये असली चेहरा है, वो आज सामने आता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब गारंटियाँ पूरी नहीं होती, जब गारंटियों को पूरा करने में समय लगता है, तब आप कहते हैं जनता के बीच में जाकर कि प्रदेश की सरकार जो है गारंटियाँ पूरी नहीं कर रही है। और आज जब गारंटी पूरी हो रही है, पांचवी गारंटी प्रदेश सरकार ने पूरी की, तब आप महिलाओं के विरोध में जो है प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि पांचवी गारंटी जो शुरू हुई है, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कहां होता है? उसके बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसके बाद ये प्रक्रिया अपने आप में ठहर गई थी। और ये चाहते थे बीजेपी के लोग कि ये जो 1500 रुपये देने की जो योजना जो सिरे चढ़ रही है, वो रुकनी चाहिए, क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये सिर्फ महिलाओं को हितैषी होने का दावा करती है और बाद में वोट बैंक के रूप में जो हिमाचल की जो महिला हैं, लगभग 27 लाख महिला जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, उनका जो है फायदा उठाना चाहते हैं। महिलाएं इनके झूठे आश्वासनों, झूठे प्रलोभन में, झूठे महिला हितैषी नारों में आने वाली नहीं है।